हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है, एग्ज़ाम डेट आ गया है ग्रुप डी का। 17 अगस्त से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, ठीक है। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है। इसका जो है अब आगे का 45 डे बचा हुआ, अगर इस मंथ को जोड़ लें, इस मंथ 30 दिन इसमें जोड़ लें और अगस्त में 15 दिन जोड़ लें, तो 45 दिन में तैयारी कैसे करें, इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं कि 45 दिन का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देखिए कि 45 दिन में, आखिरी के 45 दिन में तैयारी कैसे करें, ठीक है। अगर आप अभी भी तैयारी करना चालू करें तो आपके लिए सफिशेंट टाइम है कि आप इसको कवर कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 45 दिन बहुत होता है, ठीक है। उसका एक प्लान बताया गया है, कल ही वीडियो डाले थे, उसका प्लान बताया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके जो है आप उस वीडियो को देखिए और कैसे करना है वो सारा चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करते हैं कि 2018 में जो ग्रुप डी हुआ था उसमें क्या कटअप रहा था। तैयारी करने से पहले जो है ना, अब लास्ट का 15-45 दिन बचा हुआ है, तैयारी किस मोड में करें, कैसे करें, कितना का टारगेट रखें, ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग पहले कटअप डिस्कस कर लेते हैं कि कटअप क्या रहा था, उस हिसाब से हम कितना स्ट्रेटजी बनाएं, कितना मार्क्स हम लाएंगे जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है, हर बोर्ड का कटअप जानना ज़रूरी है कि पिछले बार का ग्रुप डी में क्या कटअप रहा था, इस बार क्या रह सकता है अनुमान, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉमेंट में लिखिए, ठीक है। अब देखते हैं कि 2018 में जो ग्रुप डी हुआ था उसमें कटअप क्या रहा था। सो पहले हम बता दें कि उसमें जो था सीट आपका 62,907 सीट था टोटल, ठीक है। और इस बार जो सीट है लगभग कितना है, 103,769, ठीक है। देखिए इसमें लगभग जो है 40,000 का अंतर है, 40,000 प्लस सीट है, ठीक है, 40,000 प्लस सीट है, उससे लगभग लगभग 1.5 गुना वैकेंसी इस बार आया हुआ है। तो क्या कटअप वही रहेगा या उससे कटअप कम जाएगा, ठीक है, इस बात पे चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये देखते हैं कि उस साल जो फॉर्म गिरा था, उस साल फॉर्म गिरा था लगभग 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ प्लस, ठीक है, इससे भी ज़्यादा फॉर्म गिरा था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार फॉर्म जो गिरा है ऑफिशियल डाटा है 1.25 करोड़, ठीक है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन फॉर्म कम गिरा है। उस बार वैकेंसी 60,000 था, 62,000, तो फॉर्म गिरा था कितना, लगभग 1.5 करोड़। लेकिन इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म गिरा है कितना, 1.25 करोड़। इस हिसाब से अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो फॉर्म 1.5 गुना हो गया है, 62,000 से सीधे 1 लाख हो गया है, और फॉर्म फिलअप जो हुआ है वो उससे कम हुआ है, ठीक है। तो कटअप पे ज़रूर असर पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि पिछले साल कटअप क्या रहा था। पिछले साल जो कटअप रहा था इलाहाबाद का 74 रहा था, ठीक है, 74 इलाहाबाद का। उसके बाद ओबीसी में रहा था 69, एससी में रहा था 62.92 और एसटी में रहा था 50.112, ठीक है, और ये एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। ये रहा आपका इलाहाबाद का। भोपाल का कटअप क्या रहा था, भोपाल का रहा था 75.03 और ओबीसी का कटअप रहा था 70.75 ओबीसी का रहा, और एससी का रहा था 63.51 और एसटी का कटअप जो रहा था 58.61, ठीक है। आपका जनरल ओबीसी एससी एसटी उस समय जो था ईडब्ल्यूएस नहीं था, ठीक है, और ये एक्स सर्विसमैन हो गया आपका। ये ऑफिशियल डाटा है, जो ऑफिशियल कटअप आया था उससे लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जोन कौन सा, अहमदाबाद। अहमदाबाद का कटअप गया था जनरल का 71.86, ठीक है, ओबीसी का कटअप गया था 66.77, ठीक है, और एससी का कटअप गया था 60.85, एसटी का कटअप गया था 57.85 और एक्स सर्विसमैन का गया था 40, ठीक है। ये आपका अहमदाबाद का कटअप हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेंगलोर जोन का। बेंगलोर जोन सबसे हाईलाइट रहा था क्योंकि इसका कटअप बहुत कम गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 62 कटअप 62 कटअप गया है जनरल का मात्र, ठीक है,
और ओबीसी का मात्र गया है कितना, 56.60, और एससी का कट ऑफ गया है 49.65, और एसटी का कट ऑफ गया 48.75, और एक्स सर्विसमैन का गया है 40.23। ठीक है, ये बेंगलोर जोन, इसीलिए ये जोन जो है बहुत हाईलाइट रहा था कि इसका कट ऑफ बहुत कम गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जोन कौन सा है। नेक्स्ट जोन है अजमेर। अजमेर का कट ऑफ क्या रहा था, अजमेर का भी कट ऑफ लगभग उसी इलाहाबाद के ही रेंज में आया था, 73.73। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का है 70.10, उसके बाद एससी का है 63.38, और एसटी का कट ऑफ है 60.63। ठीक है, और एक्स सर्विस 40.20। उसके बाद बिलासपुर का कट ऑफ जो है 70.23। ठीक है, और ओबीसी का कट ऑफ जो था 66.08, और एससी का कट ऑफ था 59.50, और एससी का कट ऑफ एसटी का कट ऑफ जो था 52.74, और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ जो था वो था 40.05। ठीक है, ये आपका हो गया 6 जोन का यहाँ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जोन कौन सा है, बिलासपुर तक हो गया था, अब देखते हैं पटना। पटना का कट ऑफ क्या रहा था, पटना सबसे हाईलाइट रहा क्योंकि इसका कट ऑफ अच्छा खासा गया, कलकत्ता के बाद अगर देखें तो पटना का कट ऑफ ही हाई रहा। ठीक है, कोलकाता का कट ऑफ 80 गया है, ठीक है, तो पटना का कट ऑफ 77.01, जो सेकेंड टॉप पे कहिए, मान के चलिए इसको रखते हैं कि ये सेकेंड या थर्ड टॉप पे है कि ये पटना का कट ऑफ है। ठीक है, इसमें जो कट ऑफ था 77.01 हो गया आपका जनरल का, 72.51 हो गया ओबीसी का, उसके बाद एससी का हो गया 61.64, और एसटी का हो गया 58.02, 58.20, और एक्स सर्विसमैन हो गया 40.20। ठीक है, उसके बाद रांची देखते हैं, रांची भी रहा वही 76.30, 71.44 रहा आपका ओबीसी का, और एससी का रहा 62.42, और एसटी का रहा 58.68। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन 40.10। ठीक है, भुवनेश्वर का 73.87, 69.13 ओबीसी हो गया, एससी हो गया 60.83, उसके बाद एसटी हो गया 55.84, और एक्स सर्विसमैन हो गया 40.05। ठीक है, गुवाहाटी हो देखते हैं 77.10, उसके बाद हो गया ओबीसी में 72.22, ठीक है, 67.39, और 57.05 07, और ये हो गया आपका एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, चेन्नई का देखते हैं, जबकि वहाँ भुवनेश्वर क्या बेंगलोर देख रहे थे, बेंगलोर का कटअप बहुत कम गया था, वहीं चेन्नई का अगर देखते हैं, चेन्नई का कटअप ठीक ठाक गया है, कम भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। इसका कटअप है 71.53। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का कटअप था 68.63, और एससी का कटअप था 61.57, और एसटी का कटअप था 55.33, और ये वो एस सर्विसमैन का। ठीक है, चंडीगढ़ का कटअप था बढ़िया, कटअप इसका रहा था 75.08 जनरल का, और ओबीसी का कटअप था 68.56, उसके बाद एससी का कटअप रहा था, एससी का कटअप देखिए मात्र 34.39 था। ठीक है, 34.39 मात्र एससी का कटअप था, और एसटी का कटअप था देखिए 55.13 था, और एक्स सर्विसमैन 40.01 था। गोरखपुर, गोरखपुर का देखिएगा तो 73.91। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में रहा था 69.28, और एससी में रहा था 60.93, उसके बाद एससी का रहा था उसके बाद 54, एसटी का रहा था 54.16, और एक्स सर्विसमैन का रहा था 40.12। ठीक है, ये आप देख लिए पटना, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, चेन्नई, चंडीगढ़ और गोरखपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड कौन सा बचा, चंडीगढ़ तक हो गया था, अब बचा 3-4 जोन इधर है जो जिसका कटअप क्या रहा। गोरखपुर का कटअप रहा 73.91, 69.28 सी गोरखपुर, उसके बाद एससी का कटअप रहा 60.93, एसटी रहा 54.36, और एक्स सर्विसमैन रहा 40.17। मुंबई का कटअप देखते हैं बहुत कम गया है, और जोन के मुकाबले बहुत कम गया है। देखिए मुंबई का 67.96, और सिकंदराबाद का भी 67.96। ठीक है, इसका भी गया है 63.09, इसका गया है
ओबीसी का, इसका भी 63.09 गया ओबीसी का, ठीक है। और एससी का कट ऑफ गया है 58, इसका भी 58, इसका भी 52, इसका भी 52, और इसका हो गया है एक्स सर्विसमैन का ये कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोलकाता, कोलकाता का जो है कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहा है, अगर टॉप पे देखें फर्स्ट नंबर पे कोलकाता ही रहा है कट ऑफ के मामले में। इसका कट ऑफ गया है 80.57, ठीक है, 80.57। और ओबीसी का कट ऑफ जो था 71.77 था इसका ओबीसी का। और एससी का कट ऑफ देखते हैं, इसका अभी 71.60 एससी का कट ऑफ है। और एसटी का कट ऑफ देखते हैं तो 55.76 ये हुआ एसटी का, और एक्स सर्विसमैन वही रहा है 40 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो कट ऑफ के मामले में हम देख लें, कट ऑफ के मामले में कलकत्ता फर्स्ट पे रहा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कट ऑफ के मामले में और कौन सा बोर्ड ज़्यादा रहा, इसके बाद कौन सा रहा, कलकत्ता के बाद गुवाहाटी है 77, गुवाहाटी है आपका 77, ठीक है। उसके बाद आप रांची को भी ले सकते हैं 76, पटना को ले लीजिए 77, ठीक है। और देखिए 77 यही है, तीन चार जोन जो है इसमें सबसे कट ऑफ रहा ज़्यादा। गुवाहाटी हो गया आपका, यहाँ पे गुवाहाटी हो गया आपका, ठीक है, 77 है। तो आप अगर कट ऑफ के मामले में देखें सबसे टॉप पे रहा था कौन सा, कोलकाता, कोलकाता जो था 80 था, ठीक है। पटना जो था 77 था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, पटना था। उसके बाद इसका भी देख लीजिए, गुवाहाटी का 77 है, ठीक है, चंडीगढ़ का 75 है, रांची 76 रहा, ठीक है। इस तरह से कट ऑफ गया है 2018 का। तो क्या ये जो कट ऑफ है क्या ये रो मार्क्स है, नहीं, ये रो मार्क्स नहीं है, ये कट ऑफ जो बनाया गया है नॉर्मलाइज मार्क्स पे बनाया गया है। किसी बच्चे का अगर 60 के लगभग भी नंबर आया है तो उसका लगभग वो नॉर्मलाइज करके 72, 73, 75 हो गया है, ठीक है, जनरल से बता रहे हैं। अगर किसी बच्चे का ओबीसी में 55-60 के बीच में आया है तो उसका लगभग 70 नंबर हो गया है, ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइज नंबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, ये कट ऑफ नॉर्मलाइज कट ऑफ है, रो मार्क्स नहीं है। आप रो मार्क्स से 10 नंबर जोड़ लीजिए या इसमें 10 से 12 नंबर तक घटा लीजिए, ताकि क्या है कि बहुत सा ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, नॉर्मलाइज में लड़का का बहुत नंबर बढ़ा था, इसलिए जो है ये कट ऑफ नॉर्मलाइज है, इसलिए ज़्यादा लग रहा है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। अगर रो मार्क्स का बात करें तो 55 से 60 के बीच में सबका हो गया था, ठीक है। ये हो गया आपका 2018 का कट ऑफ, ठीक है। अब देखते हैं कि 2018 का कट ऑफ इतना गया तो क्या 2019 का भी कट ऑफ यही रहेगा, 2019 में जो वैकेंसी आई जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त से, ठीक है, क्या वही कट ऑफ रहेगा। तो देखिए आपको पहले बता चुके हैं कि वहाँ पे 60,000 प्लस वैकेंसी था, यहाँ पे क्या है 1,00,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। इससे जस्ट जो है ना डेढ़ गुना वैकेंसी है, ठीक है, डेढ़ गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और यहाँ पे फॉर्म फिलअप लगभग 1.5 करोड़ हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म कम गिरा है, 1.25 करोड़ गिरा है, इसमें कि यहाँ पे फॉर्म गिरा और एग्ज़ाम हो गया लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर ही सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ अभी 3 साल हो गया, 3 साल में हुआ क्या है कि बहुत सारा बच्चा जो है छोड़ छोड़ के चला गया, जिसका जहाँ पे हुआ सिलेक्शन छोड़ दिया, कोई बच्चा पढ़ना छोड़ दिया, कोई कुछ, कोई सब अपने अपने काम में बिजी हो गया, 3 साल बहुत दिन हो जाता है। तो हमको लगता है कि 1.25 जो वैकेंसी, 1.25 जो फॉर्म गिरा है, इसका मात्र 50% एग्ज़ाम में बैठेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम देख लीजिए तो क्या 60-62% एग्जाम मात्र CBT 2 में एग्ज़ाम दिया था लड़का, लेकिन फॉर्म गिरा था कितना 1.3 लगभग 1.3 करोड़ फॉर्म गिरा था, लेकिन उसमें बच्चा मात्र 60 से 70 हज़ार ही बच्चा, जो 70 लाख ही बच्चा एग्ज़ाम में बैठा। उसी तरीक़ा से इसमें भी होगा, इसमें भी एग्ज़ाम जो बैठेगा मात्र 50%, मुश्किल से वही 50 से 60 लाख के बीच में गिरे बैठेगा बच्चा एग्ज़ाम में। और उसमें भी जो बच्चा क्रीम होगा, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है इसका एनटीपीसी का जो होगा 35,000 सीट, उसमें क्रीम बच्चा जो है जो अच्छा मार्क्स लाने वाला है वो चला जाएगा उसी में, ठीक है। तो इससे और कंपटीशन कम हो जाएगा, इसलिए आप लोग डरिए मत, तैयारी अच्छे से कीजिए। अभी 45 डे है,
बहुत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस बार फॉर्म कितना गिरा है, इस बार कितना फॉर्म गिरा है। देखिए, इस बार जो फॉर्म गिरा है वो उस बार तो गुरु आरआरबी लिया था, लेकिन आरबी अब की बार जो फॉर्म एग्ज़ाम ले रहा है आरआरसी ले रहा है, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग जोन करके अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, कुछ जोन सेम है, कुछ जोन का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो है आपको हम बात करें तो चंडीगढ़ जोन का नाम जो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ को कर दिया है क्या न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। जैसे इलाहाबाद का देखते हैं पहले, इलाहाबाद का, इलाहाबाद का देखिए इस बार फॉर्म जो इस बार जो वैकेंसी है 4730 वैकेंसी है, ठीक है, 4730 वैकेंसी है, और उसमें जो है फॉर्म गिरा है लगभग 9 लाख के करीब, ठीक है। और एक सीट पे जो फाइट कर रहा है लगभग 192 लड़का एक सीट पे फाइट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली का देखते हैं तो दिल्ली में जो है न्यू दिल्ली नाम से जो जोन बना है उसमें जो देखते हैं उसमें कुल कुल वैकेंसी है 13153, ठीक है, और फॉर्म गिरा है 19 लाख के लगभग, ठीक है। इसमें जो फाइट हो रहा है एक सीट पे 144 बच्चा फाइट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ये है गोरखपुर, गोरखपुर में जो है 4002 वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें जो है कुल फॉर्म गिरा है 6,20,825, ठीक है, और एक सीट पे जो यहाँ फाइट हो रहा है 155 बच्चा फाइट कर रहा है एक सीट पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये है आपका जयपुर, ठीक है, जयपुर, जयपुर जो है आपका कौन सा जोन था, जयपुर जो है जो अजमेर जोन है उसी का नाम अभी जयपुर कर दिया गया है, ठीक है, आरआरसी में जयपुर कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिए टोटल है 5,249 सीट, ठीक है, और फॉर्म गिरा है लगभग 9.5 लाख के अप्रॉक्स, ठीक है, और एक सीट पे जो फाइट कर रहा है 183 बच्चा फाइट कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं हम नेक्स्ट जोन कौन सा है, नेक्स्ट जोन है ये आपका ये कौन सा था, नेक्स्ट जोन एक मिनट, नेक्स्ट जोन है देखिए जबलपुर है ये, ठीक है, ये जबलपुर है। इसमें जो फॉर्म गिरा है इसमें जो फॉर्म इसमें टोटल वैकेंसी जो है 4,019 वैकेंसी है, ठीक है, 4,019 वैकेंसी है, और इसमें फॉर्म गिरा है 5,28,000 लगभग, ठीक है, और एक सीट पे जो फाइट हो रहा है 131 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहा है। अब देखते हैं मुंबई का, मुंबई का क्या है, मुंबई में जिसमें वेस्टर्न मुंबई में जो है वेस्टर्न मुंबई, वेस्टर्न सेंट्रल मुंबई में जो है, वेस्टर्न मुंबई में जो है 10,734 वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें फॉर्म गिरा है लगभग 9 लाख 10 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म गिरा है, और एक सीट पे मात्र 92 बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे जो है सीट ज़्यादा है, फॉर्म कम गिरा है, पर सीट जो है कंपटीशन बहुत कम है। और सेंट्रल रेलवे का बात करें तो सेंट्रल रेलवे में जो है 9,345 सीट था, यहाँ भी सीट ठीक ठाक है, और फॉर्म गिरा है 9 लाख के अप्रॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सीट पर है 97 बच्चा फाइट कर रहा है। इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये दोनों जोन जो है ये अभी तक सेफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका मुंबई तक हो गया था, अब देखते हैं कोलकाता, कोलकाता में जो था कोलकाता 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 इसमें जो कोलकाता में दो दो जो दो, दो सीट था, एक था 4914 और एक है 10,873, ठीक है। इसमें 4914 सीट जहाँ पे है वहाँ पे सीट वहाँ पे फॉर्म गिरा है लगभग 4,94,000, ठीक है, लगभग 5 लाख, ठीक है। यहाँ पर सीट कंपटीशन जो है 100 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहा है, और दूसरा दूसरा जो था उसमें 11 लाख बच्चा फॉर्म डाला है, ठीक है, यहाँ 10,873 वैकेंसी भी है और एक सीट पे 107 बच्चा फाइट कर रहा है, ठीक है, तो करीब करीब ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं ये है बिलासपुर, बिलासपुर में जो है टोटल फॉर्म टोटल सीट है 1,664 सीट है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म गिरा है लगभग 2,83,000, ठीक है, और एक सीट पे जो यहाँ फाइट है 170 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं
ये नेक्स्ट वन है हुबली। हुबली में जो है इसमें जो है टोटल सीट है 7167, ठीक है, 7167 सीट, और फॉर्म गिरा है 6,70,000, ठीक है, ये फॉर्म गिरा, और एक सीट पे मात्र 93 बच्चा फाइट कर रहा है। यहाँ भी कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई में जो है 9,579 सीट है, ठीक है, और यहाँ पे 9 लाख फॉर्म गिरा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है पर सीट कंपटीशन जो है 94 है। इस हिसाब से पिछले बार कंपटीशन ठीक था तो कट ऑफ भी लगभग अच्छा गया था, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत कम है। उसके बाद बात करते हैं सिकंदराबाद का। सिकंदराबाद में जो है सीट है 9,328, और यहाँ पे 9.5 लाख फॉर्म गिरा है लगभग। यहाँ भी 101 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहा है। उसके बाद गुवाहाटी देखते हैं। गुवाहाटी में 2854 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है लगभग 3.5 लाख फॉर्म गिरा है, और एक सीट पे 162 बच्चा है, ठीक है। हाजीपुर का बात करते हैं तो यहाँ सीट बहुत कम है। हाजीपुर में जो है 3563 सीट है मात्र, ठीक है, और लगभग 5,73,000 फॉर्म गिरा है, और एक सीट पे कंपटीशन है 161 बच्चे का, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देख लिए कि सारा एक आपका भुवनेश्वर बच जाता है। भुवनेश्वर का भी बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर में जो 2555 सीट है, ठीक है, और फॉर्म गिरा है लगभग 3,18,000, और एक सीट पे जो है 124 फाइट कर रहा है बच्चा, ठीक है। ये सारे जोन में देख लिए, सब जोन का जो है पिछले पिछले के हिसाब से जो है ये नंबर ऑफ सीट बढ़ा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है कम रहेगा, ठीक है। कट ऑफ वैसे अनुमान एक बना दिए हैं, लेकिन ये अभी ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम होने देते हैं, उसके बाद विस्तृत कट ऑफ आपको बताया जाएगा। अभी बस एक मान के चलिए कि ये नॉर्मल आपका एक बना दिए हैं कि इसी के अप्रॉक्स में रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ जितना जितना सीट बढ़ा है हर बोर्ड में सीट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पिछले कट ऑफ से इस बार कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पिछले बार कट ऑफ था उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे कम ही कट ऑफ रहेगा। अगर आपका अभी मॉक टेस्ट में 60+ नंबर आ रहा है तो आपका निश्चित ही एग्ज़ाम में होगा, अगर आप वहाँ पर उतना परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और जो अभी ये 45 दिन का जो स्टडी प्लान हम बनाए हुए हैं, उस पर वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए कैसे नेक्स्ट 45 दिन तैयारी करना है, ठीक है। और कट ऑफ का एक आपका ओवरव्यू आपको दे दिए कि क्या कट ऑफ है, पिछले बार कितना रहा था, इस बार क्या रह सकता है, ठीक है, और कितना किस जोन में कितना फॉर्म गिरा है, कितना सीट है, सारा डिटेल हम बता दिए, ठीक है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।